हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 to 150। तो ये हमारा सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस सुपर फास्ट सीरीज का सिर्फ ये मोटिव है, जितना भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उस सिलेबस को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाएंगे। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंडन ओइंग टू। तो 1590 से लेकर के 1593 तक लंदन में थिएटर्स बंद रहे थे, तो उसका हमें यहाँ रीजन बताना है। व्हाट वाज द रीजन? सो क्वेश्चन, ऑप्शन ए ब्यूबोनिक प्लेग, बी डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पीपल, सी डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द नाइट्स एंड डी डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एलाइट्स। सो क्वेश्चन नंबर 101 द करेक्ट आंसर इज ए ब्यूबोनिक प्लेग। देन क्वेश्चन नंबर 102 इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड। तो ये जो लॉन्गेस्ट वर्ड है ये हमें यहाँ बताना है कि शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में या कौन से वर्क में इस वाले वर्ड को यूज किया हुआ है। बहुत बड़ा सा वर्ड है ये, होनोरिफिकेबली टू टैडी बस, तो बड़ा अजीब सा वर्ड है। तो हमें ये बताना है कि ये उसने अपने कौन से वर्क में इस वर्ड को यूज किया है। सो टेम्पेस्ट, लव लेबर लोस्ट, हेमलेट और टाइटस एंड्रोनिकस। सो 102 द करेक्ट आंसर विल बी बी लव लेबर लोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3 द वार ऑफ रोजेज 1455 to 1487 फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। तो वार ऑफ रोजेज का जो हमें यह टाइम पीरियड भी लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें हमें बताना है कौन से ऑथर ने जो इसे अपने वर्क में यूज किया है। सो जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड और T.S. एलियट। सो द करेक्ट आंसर इज बी शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 104 विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन। तो अपनी इन्वेंशन का फर्स्ट हेयर उत्तराधिकारी शेक्सपियर ने कौन से वर्क को माना है, मीन्स सबसे पहला वर्क इसमें हमें बताना है उनका। द रेप ऑफ लुकरीस, वीनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट एंड सिम्बेलिन। सो 104 द करेक्ट आंसर विल बी बी वीनस एंड एडोनिस। और ये 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है और 1593 में ये वर्क आया था उनका। सो जब ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था लंदन में, तो उन्होंने अपनी दो पोम लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुकरीस। तो वीनस एंड एडोनिस उनका फर्स्ट इन्वेंशन है। 105 हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो बहुत ही फेमस ये लाइंस हैं जो शेक्सपियर के लिए किसने लिखी है, ये है हमें बताना है। बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, ग्रीन और मार्लो। सो 105 द करेक्ट आंसर विल बी सी ग्रीन। आई होप आप सबका भी अच्छा स्कोर हो रहा होगा इन क्वेश्चंस में। और ऐसे ही करके हम सभी बुक्स में से एक एक करके सभी जितना भी उसमें एमसीक्यूज दिए हैं सभी को रिवाइज कर लेंगे। 106 हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, शेक्सपियर, प्रोस्पेरो, हेमलेट एंड जैक्स। सो क्वेश्चन नंबर 106 द करेक्ट आंसर विल बी डी जैक्स। ये जैक्स कौन से प्ले से है? एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 107 इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। सो कौन से वर्क से ली गई है मर्सी की क्वालिटी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट एंड रोमियो एंड जूलियट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो 1596 में आया था। देन 108 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन, तो ओपनिंग लाइन कौन से वर्क की है ये यहाँ बताना है। फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। सो मैकबेथ, हेनरी VI, द टेम्पेस्ट एंड लव लेबर लॉस्ट।
सो क्वेश्चन नंबर 108, द करेक्ट आंसर विल बी ए मैकबेथ. सो मैकबेथ वर्क से लिया गया है और इस ये जो लाइन्स है इनको विच बोलती है एक्ट वन सीन वन में. तो ये ओपनिंग लाइन है प्ले की. देन 109, द फ्रेज इज मोर लैटिन एंड लेस ग्रीक वॉज यूज टू शेक्सपियर बाय. तो ये फ्रेज किसने दी है शेक्सपियर के लिए? डॉक्टर जॉनसन, मिल्टन, ड्राइडन और बेन जॉनसन. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी बेन जॉनसन. 110, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नीस अ स्कूल मास्टर अपियर्स. सो लव लेबर लॉस्ट, द टेम्पेस्ट, रिचार्ड थर्ड और सिम्बेलाइन. सो 110, द करेक्ट आंसर विल बी ए लव लेबर लॉस्ट. और ये जो माइनर कैरेक्टर होते हैं ये हमें अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि ज़्यादातर माइनर कैरेक्टर ही पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट फोलियो पोस्थूमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन. तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था यहाँ हमें बताना है. 1623, 1624, 1625 एंड 1626. तो 111, द करेक्ट आंसर विल बी ए 1623. सो उनका जो फर्स्ट फोलियो है वो 1623 में आया था और जो सेकंड फोलियो है वो 1632 में आया था. थर्ड उनका फोलियो 1663 में आया था और फोर्थ फोलियो उनका 1685 में आया था. तो टोटल चार फोलियो आए थे शेक्सपियर के वर्क के. सो इन 1623 टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर्स डैश एंड डैश पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो. तो फर्स्ट फोलियो हमें बताना है किसने पब्लिश करवाया था यहाँ. सो जॉन हेमिंग्स, हेनरी कोंडेल. बी जॉन डन और हेनरी कोंडेल. सी जॉन ओसबोर्न, हेनरी कोंडेल और जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी फील्डिंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल. देन क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट फर्स्ट फोलियो इन 1623. तो 1623 में बताना है कितने प्लेज टोटल प्रिंट करवाए गए थे. सो 36, 35, 37 और 23. सो द करेक्ट आंसर इज ए 36. टोटल शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं जिसमें से 36 प्लेज जो हैं फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराए गए थे. सो विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623 बाय हेमिंग एंड कोंडेल. सो हेमिंग एंड कोंडेल ने जो 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया था उसमें बताना है हमें कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं किया गया था. पेरिकल्स, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, सिम्बेलिन और टू नोबल किन्समैन. सो द करेक्ट आंसर इज ए पेरिकल्स. 105, द फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विद अ पोम बाय डैश इन विच द पोइट प्रिसाइंटली हेल्ड शेक्सपियर इन अ नाउ फेमस कोट एज नोट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम. सो फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का पब्लिश कराया गया था तो उसमें हमें बताना है कि फेमस प्रीफेस किसने दिया था. जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन और एसी ब्रैडली. सो देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर. सो द करेक्ट आंसर इज बी बेन जॉनसन. सो डोंट बी कंफ्यूज इन इट. जो फर्स्ट फोलियो था उसमें बेन जॉनसन ने प्रीफेस दिया था और जो उनका सेकंड फोलियो था उसमें जॉन मिल्टन ने प्रीफेस दिया था. जो ओन शेक्सपियर है उनका 1632 में अननोन एनानिमसली जो उसमें पब्लिश कराया गया था. सो 116, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रेथरन विलियम. सो हेनरी थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक. बी डार्क लेडी, सी फेयर यूथ एंड डी सर थॉमस यार्ट एंड अर्ल ऑफ सरे. सो फर्स्ट फोलियो जो था उनका किसको डेडिकेट किया गया था ये तो हमें यहाँ बताना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेनरी थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी एंड लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक. क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन. तो कौन सा इसमें बताना है हमें कि कौन सा जो इंक्लूड नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो एडिशन में. सो पेरिकल्स,
प्रिंस ऑफ टायर, बी द टू नोबल किंग्समैन, सी कार्डेनियो, लव लेबर वोन एंड नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 117, द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा प्ले भी 1623 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं कराया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 118, हाउ मैनी शेक्सपियर्स प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623। सो 1623 से पहले ही कितने इसमें प्लेज जो क्वार्टो एडिशन में पब्लिश करा दिए गए थे, 15, 16, 17 एंड 18। सो 118 द करेक्ट आंसर इज डी, 18। 119, हु क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर इन पैम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ वीट बोथ विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, 1592। सो थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस एंड डी मार्लो। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट ग्रीन। हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमरी, ग्रेट हीयर ऑफ फेम, वाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत प्यारी सी लाइन है और पूछी भी जाती हैं। सो ए जॉन मिल्टन, बी कॉलरिज, सी बेन जॉनसन एंड डी अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉन मिल्टन। 121, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। सो ये कोटेशन बतानी है किसने दी थी, सो जॉन मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड, बेन जॉनसन एंड टी एस इलियट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सी हेयर, बेन जॉनसन। हु स्पीक्स फ्रेलिटी दाई नेम इज वूमन, तो ये किसने बोला था, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओफेलिया। सो 122, द करेक्ट आंसर इज ए, हेमलेट। हेमलेट ने ये लाइन बोली थी अपनी मदर के लिए जब उनको पता लगता है कि उनके फादर की डेथ होते ही और उन्होंने उसके चाचा से क्या किया है, शादी कर ली है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ये लाइन बोलता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वूमन। और ये किसी से नहीं, वो अपने मन में बोलता है, ये भी बोला जाता है, ये कोटेशन आ जाती है कि हु सेड टू होम, किसने किससे बोला, तो ये उसने किसी से नहीं बोला, हेमलेट ने अपने मन में ही ये लाइन बोली थी। सो 123, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द एबव लाइन अकर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा और मैसर फॉर मैसर। सो 123, द करेक्ट आंसर इज डी, मैसर फॉर मैसर। 124, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेज ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अटर्स दीज वर्ड्स। सो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताना है किसने बोले थे, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल। सो हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। सो 124, द करेक्ट आंसर विल बी ए, हेमलेट। और आई थिंक एक्ट वन सीन फाइव में उसने ये लाइन बोली थी। सो 125, हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। तो ये किसने, ये दो सॉन्ग्स हैं उसमें किसने गाए थे, एमीन्स, जैक्स, रोजालिंड और सीलिया। सो 125, द करेक्ट आंसर इज ए, एमीन्स। और एक्ट टू सीन सेवन में ये सॉन्ग्स गाए गए थे। 126, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये किसने बोला था, मैकबेथ, मैकबेथ में, हेमलेट, हेमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो ने एंड टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ने। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 126 डी, टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो। सो प्रोस्पेरो कौन होता है, ड्यूक ऑफ मिलान होता है, इसकी बेटी का नाम होता है मिरांडा। तो स्टोरी भी उसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे। सो विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजिडी। सो कौन सा ऐसा ड्रामा है शेक्सपियर का जिसमें बिल्कुल भी प्रोज नहीं है और इसलिए उसको लिरिकल ट्रेजिडी बोला जाता है। सो ए ट्वेल्थ नाइट, बी हेनरी फोर्थ पार्ट वन, सी रिचर्ड सेकेंड एंड डी सिम्बेलिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, रिचर्ड सेकेंड।
और एक और इनकी ऐसे ही प्ले है, ड्रामा है, जिसमें इन्होंने बिल्कुल भी प्रोज यूज नहीं किया। तो कौन कौन से हैं, एक तो रिचर्ड सेकंड है और दूसरा किंग जॉन है। दो प्ले में बिल्कुल भी उन्होंने वर्ड्स को यूज नहीं किया, सिर्फ ये प्रोज में लिखी गई हैं। देन 128, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। सो हैमलेट इन हैमलेट, मैकबैथ इन मैकबैथ, किंग लियर इन किंग लियर, एंड ओथेलो इन ओथेलो। सो 128 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, किंग लियर इन किंग लियर। देन क्वेश्चन नंबर 129, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल। सो किंग लियर, एडगर, एडमंड एंड रीगन। सो 129 द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, एडमंड। सो 130, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ डेथ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें ये लास्ट वर्ड्स हैं और द रेस्ट इज साइलेंस, और किसने ये जो वर्ड्स बोले हैं? सो ए सीजर, बी मैकबैथ, सी हैमलेट एंड डी लियर। सो 130 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हैमलेट, हैमलेट की लास्ट वर्ड्स हैं ये। सो मरने से पहले हैमलेट ने अपने फ्रेंड होरेसियो से ये वर्ड्स बोले थे। देन 131 क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। सो कार्लिल, बेन जॉनसन, जॉन रस्किन एंड ए सी ब्रैडली। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी जॉन रस्किन। 132 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। सो किंग लियर, मैकबैथ, हैमलेट एंड हेनरी फोर्थ। सो 132 द करेक्ट आंसर इज सी हैमलेट, ये हैमलेट प्ले में बोली गई लाइन्स हैं। 133, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, द टीडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। सो यहाँ पे जो टीडियस वाइसेकर है, इसका मीन्स होता है थकाऊ बुद्धिमान। तो ये जो हमें बतानी है, ये जो स्टेटमेंट है, किसके लिए बोली गई हैं? सो क्लाउडियस, हैमलेट, पोलोनियस एंड रोजेनक्रेंट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी पोलोनियस। सो पोलोनियस के लिए हैमलेट ने ये बोला है। देन 134, हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर फ्री। सो वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। तो शेक्सपियर के लिए बोली गई लाइन्स हैं ये, और किसने बोला है ये हमें यहाँ बताना है। डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉलरिज एंड टी एस इलियट। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ, टी एस इलियट है। देन क्वेश्चन नंबर 134, द करेक्ट आंसर विल बी बी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइन बोली है। देन 135, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन सी ट्रेजिडी को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबैथ और ओथेलो। सो द करेक्ट आंसर इज बी हैमलेट। देन 136, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। तो इसमें से देखना है कौन सा मैच नहीं हो रहा है। टच स्टोन, एज यू लाइक इट, ये इसी का कैरेक्टर है तो ये ठीक है। गोनरिल, किंग लियर, तो गोनरिल में किंग गोनरिल किंग लियर प्ले में है तो ये भी ठीक है, क्योंकि गोनरिल किंग लियर की बड़ी बेटी है। देन चिन्ना, जूलियस सीजर, तो चिन्ना उसमें क्या है, पोइट है और कॉन्स्पिरेटर है तो ये भी ठीक है। देन डी गोबो, ट्वेल्थ नाइट, तो गोबो हमारा ट्वेल्थ नाइट में नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी इज करेक्ट आंसर। 137, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द सेवन एजेज ऑफ मैन, मैकबैथ, किंग लियर, हैमलेट एंड एज यू लाइक इट। सो द करेक्ट आंसर इज डी एज यू लाइक इट। और इसमें जैक्स जो अपनी ये जो स्पीच देता है उसमें ये सेवन एजेज ऑफ मैन का जिक्र हुआ है। 138, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन, तो शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क था वो कब तक किया गया था ये बताना है यहाँ। बिफोर 1595, बिफोर 1601, बिफोर आफ्टर 1612 और आफ्टर 1603।
सो द करेक्ट आंसर विल बी डी आफ्टर 1603। 139 रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओ जूलियस सीजर दू आर माइटी येट दाई स्प्रिट वॉक्स एब्रोड एंड टर्न्स आर सोल्ड इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल। सो वॉट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जूलियस सीजर से ली गई ये लाइन्स हैं, तो इसका हमें एसेंस बताना है, मीनिंग बताना है कि क्या है। ब्रूटस वॉज टू माइटी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, सी एंटोनी वॉज माइटी एंड डी कैसियस वॉज माइटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। देन क्वेश्चन नंबर 140, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। तो मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? बैंक्यू, डंकन, इयागो और हैमलेट। तो बैंक्यू जो अपने फ्रेंड मैकबेथ अपने फ्रेंड बैंक्यू का घोस्ट देखता है, जिसको उसने मर्डरर भेजकर मरवा दिया था, और उसका बैंक्यू का बच्चा था फिलींस, जो बच कर के वहाँ से भाग गया था। देन 141, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स बट इन आर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज ही लव्स ब्रूटस एंड वॉन्टेड टू सी हिम ऑन द टॉप। ही हेट्स ब्रूटस एंड वॉन्टेड टू किल हिम। ही हेट्स सीजर एंड वॉन्टेड टू किल हिम। और ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर डी, ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, क्योंकि वो जो सीजर की बढ़ती हुई पावर थी उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था कैसियस, और वो ब्रूटस को उसके खिलाफ उकसाना चाहता था। 142, इन मिल्टन देर इज ऑलवेज एन अपियरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। सो दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, तो किसने ये रिमार्क दिया है शेक्सपियर के लिए? थॉमस हार्डी, निजिम इजेकिल, विलियम हैजलिट और मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। 143, रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोज डेप्ट। तो ये जो लाइन है हमें इसका यहाँ मीनिंग देखना है क्या है। सो दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, बी दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, सी दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली एंड डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट ही लव्ड जूलियट, वो जूलियट को प्यार करता था और जूलियट की जो फैमिली थी वो रोमियो की फैमिली की दुश्मन थी, तो इसलिए रोमियो ये लाइन बोलता है। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? सो हैमलेट, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर एंड डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हिडी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हिडी। 145, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, इनमें से किसने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीजी वुडहाउस। सो सबसे पहले बर्थ भी विलियम शेक्सपियर का हुआ था और सबसे पहले लिखना भी विलियम शेक्सपियर ने ही स्टार्ट किया था। 146, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और कैथरीन फ्रैंक। सो आउट ऑफ दीज फोर, थ्री आर ब्रिटिश सिटीजन्स, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, और डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैथरीन फ्रैंक जो ब्रिटिश नहीं है। सो 147, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज एंड ड्रामेटिक वर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ब्लैंक वर्स। सो 148, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली सो आ री इनेक्शन, जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न एंड डी ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न। सो टोटल 154 सोनेट लिखी थी शेक्सपियर ने, 126 उसने अपने फ्रेंड और पैटर्न डब्ल्यू एच को उन्होंने डेडिकेट की थी। सो लेटर 26 उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट की थी, और बाद की जो दो सोनेट थी वो उन्होंने लव क्यूपिड को डेडिकेट की थी।
149 जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम, तो जूलियस सीजर कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में है वो हमें बताना है। द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज एंड डी द ट्रेजिडीज एंड रोमांसेस। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, क्योंकि हिस्ट्री प्ले भी है और ट्रेजिडी भी है, तो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में ये है। देन 150, कोडेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ही हैड गिवन हर द लायन शेयर ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम एंड सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 150, द करेक्ट आंसर विल बी सी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। तो किंग लियर को कोडेलिया को किंग लियर ने अपने जो किंगडम से निकाल दिया था, उसको बिल्कुल डिप्राइव कर दिया था, उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, उसके बावजूद भी कोडेलिया ने ही किंग लियर की हेल्प की और बाकी उसकी जो दो बेटियां हैं उन्होंने किंग लियर को धोखा दिया। सो ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ये क्वेश्चन यहाँ तक के बहुत ईजी थे और आगे बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी हैं जो हमें अच्छे से लर्न करने हैं। सो ये मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।